इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई चैन स्नैचिंग के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी आदतन अपराधी है, जिनके खिलाफ मल्हारगंज, बाणगंगा, सेंट्रल कोतवाली एरोड्रम के साथ ही आस्था थाने में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राम स्नेही मिश्रा ने जानकारी देकर कहा कि इस मामले में विकास उर्फ विक्का परिहार, जय कौशल और सुजल कौशल को गिरफ्तार किया। ये तीनों आरोपी आदतन अपराधी हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों द्वारा महिला के गले से चैन झपटने की वारदात करना स्वीकार किया है। हाँ, बेसिकली क्या है, एक हफ्ते पूर्व वहाँ पर झपटमारी की एक वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी बहुत सारे पुलिस तलाश किए गए थे। बाकी अन्य ब्रांचेस को भी, अन्य थानों को भी वो फुटेज शेयर किए गए थे, जिसमें से ये क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली के द्वारा मिल करके और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। उसमें से तीन आरोपी विकास, सुजल और जय कौशल, इनको गिरफ्तार किया गया है और सिर्फ एक आरोपी अब भी पुलिस पकड़ के दूर है और वजह सबूत और मतलूका भी जब्त किया जा रहा है और फिर उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया जाएगा।